बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सांस की तकलीफ दूर करने का ज़बरदस्त अमल और इलाज। मैं उन लोगों के लिए बहुत ही मुजरब अमल लेकर आया हूं जिनको सांस की तकलीफ है, सांस फूल जाती है या सही तरह सांस नहीं ले पाते। इस तकलीफ में मर्द और औरतें, बच्चे और बूढ़े सब शामिल हैं। तो सांस की जुमला तकलीफ का एक बहुत ही मुजरब अमल बता रहा हूं। अगर आपने हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक किया तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। काफ़ी लोग जो सांस के लिए पंप का इस्तेमाल करते हैं, इस अमल को करने से इंशाल्लाह उनको सांस लेने के लिए पंप इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। दमा की तकलीफ के लिए भी ये अमल बहुत मुजरब है। अमल और वजीफ़ा। पारा नंबर 30 में सूरह अल तकवीर आयत नंबर 17 से 18 तक, वल्लैल इज़ा असअस वस्सुबह इज़ा तनफ्फस, 101 दफ़ा पढ़ना है। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर जैतून के तेल पर दम कर लें और एक चम्मच या आधा चम्मच तेल पी लें और रात को यही दम किए हुए जैतून के तेल को थोड़ा सा हाथ पर डालकर अपने सीने की मालिश करें। ये अमल आपने 90 दिन तक करना है और बिला नागा करना है। नागा बिल्कुल नहीं करना। औरत ममनुआ दिन निकालकर बाकी पूरे 90 दिन ये अमल करें। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस अमल को आप ज़रूर करें। अल्लाह के फजलो करम से आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस अमल को आप सदकाए जारिया समझकर दूसरे लोगों को भी शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।